अभी काफ़ी लोगों की आंखों की प्रॉब्लम्स जिसे वायरल कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, तो प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। आंखों को कवर करके रखना है, इवन वायरसेस वहाँ से भी जाते हैं, नाक से भी जा सकते हैं, और वहाँ से एक नेजो लैक्रिमल डक्ट भी होती है। और ये देखा गया है कि जो अंदर से पहले से इन्फ्लेमेशन होता है तो बॉडी में फिर वापस सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं, फिर कोई भी पार्ट्स के होने दो तो रेगुलर में जो है सर्विसिंग हम जो बोलते हैं, वैसे ही अंडरलाइंग इन्फ्लेमेशन अच्छी तरह से मैनेज करेंगे तो उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। नहीं तो जिनको अंदर से पहले से ही इन्फ्लेमेशन था, नाक से जो डक्ट कनेक्टेड होती है, फिर नेजो ऑक्युलर रिफ्लेक्स होता है, आँखों में भी जो पहले से अगर इन्फ्लेमेशन है तो इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो रेगुलर में प्रिकॉशंस लेना एक दूसरे को इन्फेक्शन नहीं होने के लिए, अगर किसी को अगर होता भी है वायरल इन्फेक्शन तो उन्होंने भी अच्छी तरह से कवर करना आँखों को, नाक को, तो छींकने से भी वो फैल सकता है। तो ये सिंपल प्रिकॉशंस लेना भी बहुत ज़रूरी है।